Hello, very good morning. Hi, I'm Dilip Kumar Singh, here to teach you physics from Brain Cafe Coaching Academy. As we know, कि हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले थे 1 अप्रैल से, बट अनफॉर्चुनेटली हम वो क्लास स्टार्ट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कोरोना एपिडेमिक. सो आई थिंक हमने सोचा कि क्यों ना हम इसे ऑनलाइन स्टार्ट करें, ताकि बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा लोड ना हो, स्पेशली जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं. सो हम पहले स्टार्ट करते हैं 9th की वो बेसिक चीज़ें जो 10th में काम आने वाली हैं. और ऐसा नहीं है कि 9th की जो चीज़ें हैं हमने 9th में पढ़ा और उसे भूल गए. ज़रूरी है कि 9th से रिलेटेड चीज़ें हम 10th में भी एक दूसरे से कॉरिलेट करते हैं. तो साइंस बेसिकली थोड़ा उसमें क्या होता है कि पढ़ने में थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है, वो ज़्यादा बोरिंग नहीं होता. ठीक है, सो पहले हम स्टार्ट करते हैं 9th की वो बेसिक चीज़ें जो हमारे 10th में काम आने वाली है. ठीक है, फिलहाल एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो चैप्टर या बुक आप कंसेप्ट कह सकते हैं, फिजिक्स है, है ना. सो बेसिकली फिजिक्स है क्या? फिजिक्स बेसिकली मैटर और वेव के बारे में है. फिजिक्स इज ऑल अबाउट मैटर एंड वेव. वी ऑल स्टडी अबाउट मैटर एंड वेव इन फिजिक्स बेसिकली. सो एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन हमने ले रखे हैं फिजिक्स में, है ना. मैटर के बारे में भी हमने पढ़ा है, जैसे 9th स्टैंडर्ड हमने पढ़ा है मैटर क्या होता है, मैटर की कुछ प्रॉपर्टी जैसे वॉल्यूम, डेंसिटी, जो स्पेस घेरता है ना, आप इन सब के बारे में, मैटर के बारे में अच्छे से आप जानते हैं. मैटर से रिलेटेड जो दो बेसिक प्रॉपर्टी है, एक है मास और दूसरा है चार्ज. अगर मैं बात करूं मास के, तो मास से रिलेटेड के टॉपिक हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर एंड ग्रेविटेशन. उसी तरह से चार्ज के बारे में हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. वेव के बारे में भी हमने दो कंसेप्ट पढ़ा है. 9th स्टैंडर्ड में हम लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बहुत डीप स्टडी किए थे, हमने साउंड चैप्टर के नाम से पढ़ा था. उसी तरह से हम 10th स्टैंडर्ड में ट्रांसवर्सल वेव के बारे में पढ़ेंगे, और उसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है लाइट. ठीक है, सो फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चीजें फिजिक्स में शुरू से पढ़ाया जा रहा है वो बेसिक एक इंट्रोडक्शन है. फिजिक्स इज ऑल अबाउट मैटर एंड वेव, और उसका हमने एक इंट्रोडक्शन 9th स्टैंडर्ड में आधा लिया है, आधा हम 10th स्टैंडर्ड में लेंगे. इसलिए जरूरी है कि मैटर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी जो हम आज जानेंगे, जो 10th स्टैंडर्ड में इम्पोर्टेंट है वो आज हम जानेंगे. तो इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ा उसमें पुरानी चीजों को भी याद रखें. ओके, चलिए अब हम पहले बात करते हैं कि सर चार्ज से क्या क्या टॉपिक अपने को पढ़ना है. सो चार्ज में जब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो सर चार्ज में हम दो बेसिक चैप्टर पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं मार्क्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही चैप्टर अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग थे, और काफी अच्छा मार्क्स लेके भी बोर्ड एग्जाम में आता है. सो सर चार्ज से रिलेटेड दो चैप्टर है, एक है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है मैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बहुत सारे सब टॉपिक्स है, जैसे करंट है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस है, ओम्स लॉ है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है. उसी तरह से मैग्नेटिज्म की बात करें तो मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स के बारे में पढ़ने हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड समटाइम मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करने के बारे में है, एसी डीसी मोटर्स एंड जनरेटर्स के बारे में पढ़ना है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एप्लीकेशन बेस्ड हम बात करते हैं वो है अपना हाउस होल्ड वायरिंग. ठीक है, सो इतनी सारी बातें हमें अभी पढ़ना है, और हमने इसमें से कुछ पढ़ रखे हैं. तो चलिए हम फिलहाल, हमारा पूरा टॉपिक जो है वो चार्ज पे डिपेंडेंट है, तो फिलहाल मुझे चार्ज के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है कि सर चार्ज होता क्या है. तो फिलहाल मैं आपको पहले चार्ज के बारे में समझाता हूँ. ठीक है, ओके, एंड जैसे कि हम देख सकते हैं कि भैया चार्ज जो है वो मैटर से जुड़ा हुआ है. ठीक है, मतलब सर अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन बिठाएं, दोनों टर्म के बीच में, तो क्या कहेंगे? कहते हैं कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. Charges, the property of matter. अगर मैं इसको define करूँ, what is charge? अगर मैं define करूँ, sir, charge क्या है? तो कह रहा है कि charge is the property of matter. एक matter की ये property. Charge क्या है? Charge एक property है. किसका? Matter का. कह रहा है कि sir, charge एक property है matter का. तो भैया और आगे क्या बोल सकते हैं? इसको कैसे define कर सकते हैं? कह रहा है कि charge is the property of matter due to which that body feels attractive or repulsive force when it is placed nearby another charge. कह रहा है कि अगर किसी चार्ज बॉडी को किसी दूसरे चार्ज बॉडी के पास में रखा जाता है तो वो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स फील करता है. व्हाट इज चार्ज? कह रहा है कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. चार्ज इज द
प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी है, कह रहा है कि इसकी वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, कह रहा है कि ये अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कब, जब आप इसे किसी चार्ज बॉडी के पास में रखते हैं। सो व्हाट इज चार्ज, चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट फील अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर बाय अनदर चार्ज। व्हाट इज चार्ज, नाउ इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू विच दैट बॉडी फील एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर बाय अनदर चार्ज। सो सर, नाम या डेफिनेशन जानना काफी नहीं है, जरूरी है कि हम इसके बारे में, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी भी जानें। व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ओके, कह रहे हैं कि सबसे पहली प्रॉपर्टी जो ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव, अनदर वन इज कॉल्ड नेगेटिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। चलो इसको मिटा दूं मैं, जो 9th स्टैंडर्ड में अपन लोग पढ़ा है वो फिलहाल अभी काम का नहीं है, चीजें बस जानने के लिए था, एक इंफॉर्मेशन बेस था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और उसमें हमारे लिए क्या अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। कह रहे थे सर प्रॉपर्टी, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है सर, देयर आर, सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव, अनदर वन इज कॉल्ड नेगेटिव। नेक्स्ट, एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस बढ़ना या फिर घटना किसका, इलेक्ट्रॉन का, एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। मींस चार्ज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहे कि किसी भी बॉडी पे चार्ज जो घटता या बढ़ता है, कह रहे कि वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बढ़ता है, तो कह रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉन के बढ़ने या घटने से। अगर किसी बॉडी में चार्ज डेवलप होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कह रहे हैं कि अगर वो चार्ज डेवलप होता है तो कह रहे हैं कि उसकी किसकी वजह से है, एक्सेस या फिर डिफिशियंसी ऑफ किसके, इलेक्ट्रॉन। सर एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होता है वो इस इलेक्ट्रॉन के एक्सेस या फिर डिफिशियंसी से होता है। चलिए इसको मिटा दूं मैं, अभी मैं थोड़ा एक एक्टिविटी से समझते हैं कि सर कितनी बात सही है, ये बात थोड़ा हम समझ लें कि क्या बात सही है, ऐसा है कि नहीं है, एक्टिविटी से समझते हैं, ठीक है। कह रहे कि सर एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एटम है, सब जानते हैं एटम के बारे में, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, है ना। कह रहे कि इसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर, कब, जब ये आइसोलेटेड। एक आइसोलेटेड एटम पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। सो अब कह रहे हैं कि सर ये एक एटम है जिसमें एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। अब मैं जरा चार्ज डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझने की, मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों पे रिलेटिव चार्ज जो है वो मैंने प्रोटॉन की वजह से जो चार्ज है उसको हमने प्लस वन माना है, और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज है उसको हमने माइनस वन कंसीडर किया है। तो सर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों चार्ज को ऐड करूँ तो सर टोटल चार्ज आ जाएगा जीरो। मतलब सर एक आइसोलेटेड एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि सर उसमें टोटल नंबर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज होता है, ओके। सो सर दो तरह के चार्जेस हैं, एक है पॉजिटिव नेगेटिव, हमने कहा कि सर आइसोलेटेड एटम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर है, अगर ये बराबर है तो क्या बात कह रहा है ये, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बराबर है, तो कह रहा है कि उन पे मान लीजिए कि रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से प्लस वन और इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस वन है, तो टोटल चार्ज क्या आएगा, जीरो आएगा, ओके। अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बड़ा हो जाए, ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब सर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन में कमी आ गई है, किसकी वजह से, कोई भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे फ्रिक्शन हो सकता है, या फिर किसी
कभी समटाइम लाइट गिरने की वजह से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो हम उन सारे रीजन में फिलहाल बात नहीं कर रहे, बात ये कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का अमाउंट कम हो गया है, रीजन चाहे कुछ भी हो। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। नाउ अब कंसीडर करते हैं, मान लीजिए कि एक की कमी आ गई, तो सर कितना आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो सर एक ही था। अगर मैं इस केस के लिए समझूं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे हमने लिखा नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन, तो मैंने लिखा यहां पे सर प्रोटॉन तो सर वही था और इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज, सर ये चार्ज तो रहा नहीं ना, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन था चला गया बाहर चला गया, तो सर टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज हो गया प्लस वन। वी कैन सी दैट कि सर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, क्या चीज की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, किसका बढ़ गया सर, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। We can see by a simple activity, एक सिंपल कहानी है, हमने फिर से समझा देते क्या क्या हमने लिया, हमने एक आइसोलेटेड आइटम लिया, एक ऐसा आइटम जिसमें नंबर ऑफ प्रोटोन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। मैंने एक प्रोटोन एक इलेक्ट्रॉन का एक एटम कंसिडर किया, जब मैंने नंबर ऑफ प्रोटोन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बराबर किया तो हमने उस पर टोटल चार्ज निकालने की कोशिश की, तो नंबर ऑफ प्रोटोन इक्वल्स टू प्लस वन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू माइनस वन, सो द टोटल चार्ज इक्वल्स टू जीरो, प्लस माइनस टोटल वैल्यू हो गया जीरो। मतलब सर यहाँ पे कोई चार्ज, नो चार्ज, कोई भी चार्ज डेवलप नहीं हुआ, ये था अपना केस फर्स्ट। हम बात कर रहे हैं दूसरे केस के लिए, केस सेकंड। सर इसमें क्या हुआ, इसमें हमने कंसीडर किया कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज्यादा है, सो सर चार्ज प्रोटॉन पे चार्ज प्लस वन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सेकंड केस में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का एक अमाउंट कम हो गया, निकल गया बाहर निकल गया, वो रीजन चाहे कुछ भी हो, कह रहे हैं कि जब आपने टोटल चार्ज को ऐड किया तो प्लस वन जीरो, क्या मिला अपने को, टोटल चार्ज प्लस वन मिला। सो सर जो टोटल चार्ज प्लस वन मिला, कहने का मतलब हुआ सर हमने पॉजिटिव चार्ज का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। आइए मैं बात करूं इसी में, चीजों को मिटाते हैं, ये सब चीजें हम बाद में फिर पढ़ेंगे। ओके अब कह रहे हैं कि सर इसी में सर एक तीसरा केस मान लेते हैं, केस थर्ड। चलो केस थर्ड हमने लिया और हमने समझाया कि सर मान लो कि इस बार इलेक्ट्रॉन का परसेंटेज बढ़ेगा, कहीं से किसी वजह से एटम पे एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन आया मतलब सर नंबर ऑफ प्रोटॉन अब लेस देन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या हुआ सर चार्ज और प्रोटॉन क्या होगा सर वही प्लस वन। ठीक है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट हुआ है तो आप लिख दिए चार्ज बिकॉज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू माइनस टू, सर आप टोटल चार्ज ऐड करो क्या हो गया माइनस वन, कहने का मतलब सर इलेक्ट्रॉन का परसेंटेज बढ़ा, सर नेगेटिव चार्ज का वैल्यू बढ़ गया। आपने एक चीज गौर किया सर चार्ज डेवलप हो रहा है, चार्ज डेवलप हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो, डिपेंड किस पे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट पे, इलेक्ट्रॉन घट रहा है या इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज, घटेगा तो पॉजिटिव चार्ज। ओके तो आई थिंक हमारा ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया, हमने क्या बोला कि भाई किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज डेवलप हो रहा है तो बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट, बिकॉज ऑफ एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है अगर आप किसी पे एक्सेस या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो चार्ज का डेवलपमेंट होता है। ओके नेक्स्ट, कि स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल जो पाया जाता है इस यूनिवर्स में, फिलहाल अगर मैं 10th स्टैंडर्ड के टॉपिक की बात करूं तो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो पाया जाता है वो है क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज जो है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। सर तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, कितना सर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, अच्छा ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है इतना, और अगर मैं बात करूं तो सर इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, टाइप ऑफ चार्ज कैसा है, तो सर नेगेटिव है, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। सर इसका अमाउंट क्या हो जाता है, अगर मैं सेपरेट अगर लिखूं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम एंड 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। चलिए
मिडाबंस को, आई थिंक ये आपने अगर समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। चलो बात करते हैं कि हमने पहले प्रॉपर्टी एक बार फिर से पढ़ लिया, पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ रहे हैं चार्ज और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आई थिंक चार्ज का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, एंड देन आफ्टर है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हमने पहली बार पढ़ी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव, है ना। एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेस द डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी पे चार्ज जो डेवलप होता है वो बिकॉज ऑफ एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज पाया जाता है या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और प्रोटॉन पे जो होता है वो होता है +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब एक बात अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सर सब कुछ तो रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन पे ही है, चार्ज घटे डेवलप होगा चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंसी है। मतलब हम ऐसा, और सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो पाया जाता है वो ये होता है, ठीक है, और कहीं ऐसा नहीं है सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब इससे छोटा और हो नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ रही, इससे छोटा और हो नहीं सकता, मतलब यही अमाउंट ऑफ चार्ज बार बार ऐड हो रहा होगा। सर अगर किसी बॉडी पे 2 कूलम्ब चार्ज डेवलप हुआ है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, यही इलेक्ट्रॉन, यही बार बार जा रहा होगा, यही नंबर ऑफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इससे इस पे गए होंगे जिसकी वजह से −2 कूलम्ब चार्ज डेवलप हुआ। तो सर −2 कूलम्ब चार्ज डेवलप करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल, और इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा तो कितने में जाएगा, फ्रैक्शन में तो जाएगा नहीं, किस में जाएगा, इंटीजर्स में जाएगा। सो हम ऐसा लिख सकते हैं, हम इसी टर्म को एक नाम देते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी कोई भी चार्ज जो है वो क्वांटाइज होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल का इंटीग्रल मल्टीपल है q=ME, this is called what, quantization of charge, कि सबसे smallest charge ये है और ये है सर integers 1, 2, 3, 4, ठीक है सर, ये कभी fraction में नहीं जाएगा, counting होगा electron का, एक electron जाएगा, दूसरा electron जाएगा, तीसरा electron जाएगा, चौथा electron, ऐसा नहीं कि सर 1.5 electron गया, है ना, 1.5 electron गया, ये possible नहीं है। जब भी जाएगा तो क्या जाएगा, इंटीजर्स में जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, q=ME। सो आज हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, व्हाट इज चार्ज और व्हाट इज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट डे हम इसी चार्ज से रिलेटेड एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी पे, जो इसी चार्ज पे डिपेंडेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। सो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, होप्सो कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है या फिर अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं।